Hey guys and hope you all are doing well. मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग है और आज मैं बात करने वाला हूं एक चार सौ एम लेंस के बारे में जनरली क्या होता है हर इंसान का एक सुपर टेलीफोटो लेंस लेने की बड़ी इच्छा होती है बट सुपर टेलीफोटो लेंस लेने के दो बड़ी प्रॉब्लम है एक तो उसे ट्रैवल में लेके जाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ काफ़ी बड़े होते हैं दूसरा सुपर टेलीफोटो लेंस बहुत महंगे होते हैं तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन टोकीना यहाँ लेके आया है ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना छोटे से बॉक्स में चार सौ वाला फुल फ्रेम लेंस हमें मैक्रो लेंस लेंस फोकस को सपोर्ट करता है साथ साथ में केवल 335 ग्राम का है और फुल फ्रेम कैमराज के लिए डिजाइन किया गया है तो आप सोनी कैन या फिर नाइकॉन जैसी बॉडी के लिए इस लेंस को परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग वट एव अमाउंट यू वॉन्ट हल्का है ट्रेवल में इजिली कैरी कर सकते हो साथ साथ में काफी बजट फ्रेंडली है कितने का है गेस करो केवल छब्बीस हजार रुपए इसकी एम हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है ये जो लेंस है ये रिफ्लेक्ट सीरीज के अंदर आने वाला सुपर टेलीफोटो लेंस है टोकीना की अपनी एक पूरी रिफ्लेक्ट रेंज है लेंसेज की जहाँ पे आपको लेंस 300 हंड्रेड mm एम से लेकर के टिल 900 हंड्रेड mm एम तक की फोकल लेंथ तक देखने को मिलते हैं और काफी बजट फ्रेंडली वही पैंतीस चालीस हजार रुपये मैक्सिमम आपको जो उनका प्राइस देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है काफी लाइट वेट है ईजी टू कैरी है और ये जो लेंस है डिजाइन किया गया है कैटा डायप एक मैकेनिज्म पे जिसमें सामने की तरफ हमें एक बड़ा मिरर देखने को मिलता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को दूसरे मिरर पे और वो दूसरा मिरर वापस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है छोटे मिरर पे और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेंसर के ऊपर इसी वजह से एक छोटे से लेंस को इतनी हाई फोकल लेंथ में कन्वर्ट करा सकता है सेम टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जनरली टेलीस्कोप्स में जितने भी टेलीस्कोप्स आप देखेंगे जो कि 1200 1500 2000 एमएम तक की फोकल लेंथ पे आते हैं उन सभी टेलीस्कोप्स में आपको इस तरीके सेम डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि कैटा नो डिजाइन कहा जाता है काफी ही सिंपल है you know, टोकिना ने फोटोग्राफी लेंसेज में नाउ यूज करना स्टार्ट किया है अब ये लेंस काफी अफोर्डेबल है काफी लाइट वेट है बट ऑफकोर्स ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट लूज करता है एक ये मैनुअल फोकस में हमें देखने को मिलता है नॉट इन फोकस दूसरा इस लेंस में कोई भी आई हमें देखने को नहीं मिलता मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है इस लेंस में आपको काफ़ी स्टडी होकर के इसे वीडियो फोटो बनाने पड़ेंगे बट एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है मैक्रो लेंस भी है साथ साथ में टेलीफोटो लेंस भी है तो आपके दोनों पर्पज एज एन हॉबिस्ट अगर आप पहली बार कोई लेंस लेने का प्लान करें या फिर यू वॉन्ट अ ट्रैवल फ्रेंडली टेलीफोटो लेंस तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस टू हैव इन योर बैग देखिए ये 400 सौ mm एम का लेंस है और ये मेरे पास में सोनी का सोलह पचपन एम लेंस है अगर मैं हुड हुटाऊं तो आप देखोगे साइड बाई साइड ऑलमोस्ट जरा सा बड़ा है चार सौ एम और इवन इस लेंस से काफ़ी हल्का है बिकॉज ऑफ लेस लेंस एलिमेंट इंटरनली यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर ठीक है तो काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है हमें लेंस बहुत ही डिफरेंट है और अगर मैं क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग अगर हम करें तो आपको इस टाइप से बॉक्स देखने को मिलेगा विच इज़ वेरी सिंपल बॉक्स सिंपल पैकेजिंग है इंटरनेशनल वारंटी आपको देखने को मिलती है दो साल की इसमें इस तरीके से कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है हमें लेंस देखने को मिलता है इसके साथ साथ में हमें इसका मेटल का हुड देखने को मिलता है ये हुड आगे इस तरीके से स्क्रू अप हो सकता है ठीक है और इसका जो फिल्टर थ्रेड है वो 67 सेवन mm एम का है तो आप इस पर कोई भी नॉर्मल फिल्टर्स पोलराइजर और एनी सॉर्ट ऑफ फिल्टर्स इस पे अप्लाई कर सकते हो ठीक है अब इस तरीके से इसका बैरल है जो कि पूरा 270 सेवेंटी डिग्री का रोटेशन हमें देखने को मिलता है और साथ साथ में ये माइक्रो फोकस को भी सपोर्ट करता है ठीक है अब हम इसे लगा के देखते हैं देखते हैं किस तरीके से हमें ये लेंस बॉडी के ऊपर नजर आता है ये मैंने यहाँ पे आके इसे कनेक्ट किया यस yes. और तो ये लेंस मैंने जैसे बताया कि सब ब्रांड्स के लिए अवेलेबल है ये सोनी नाइकॉन और कैनन माउंट्स में देखने को मिलेगा काफी इस तरीके से यूनिक सा दिखने में नज़र आता है काफी लाइट वेट है और साथ साथ में इस तरीके से आप फोकस इन एंड फोकस आउट कर सकते हो अगर आप इस लेंस को ऑटो फोकस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पी मूवीज का लाइट फोकसिंग सिस्टम मैंने रिसेंटली ट्राई किया था वो इस पे माउंट करके और इसे ऑटो फोकस लेंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बस आपको थोड़ा वेट बढ़ जाता है बिकॉज आपको फोकस पुलिंग मोटर और ग्रिप इसके ऊपर बांधनी पड़ेगी नाइन टॉकिंग अबाउट लेंस की क्वालिटी विच इट प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ इमेजेस वीडियोज एंड फोटोज में दोनों में ध्यान में रखने वाली बात यह है किली फोटो लेंस है और इसमें जो है हमें कोई भी ओ एस एस नहीं देखने को मिलता इसी वजह से प्रॉब्लम होगी कि जब आप इससे हैंड हेल्ड शूट करोगे तो काफी ज्यादा शेक प्रोड्यूस होता है तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा ट्राईपॉड साथ में कैरी करो जो कि इसके ज्यादा मूवमेंट जो होने वाले हैं ना उनको सबको रिड्यूस करे दूसरा इमेजेस मैंने जैसे बताया फोटोज में थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्ट ये बनाता है रीजन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स सीरीज में आने वाला लेंस है तो कॉन्ट्रास्ट हल्का सा आपको पोस्ट में इंक्रीज करना पड़ेगा फोटो शूट के टाइम पे और वीडियो में भी इसके काफ़ी डिसेंट रिजल्ट है एक चीज और ध्यान में रखने वाली है क्योंकि ये रिफ्लेक्स सीरीज का लेंस है और इसका जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो सर्कुलर ब्लर नहीं आता है इसका एक डिफरेंट पैटर्न आता है बैकग्राउंड ब्लर का जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा वीडियो में मैंने इससे एस्टलॉक पे भी शूट करके देखा और नॉर्मल मोड पर भी शूट करके देखा एस्टलॉग फोटेजेस को मैंने कलर ग्रेड किया मेरे खुद के मास्टर लट से जिनके लिंक मैंने

के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किए हुए और जैसे मैंने बताया कि जो भी मैंने फोटो कलग्रेट करी थी एसलॉग वाली वो मैंने अपने मास्टर को यूज़ करी थी उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स भी है वीडियो एडिटिंग का वो भी आप जाकर के मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून एंड कीप शूटिंग